हाय दोस्तों, फिटनेस भाई का सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने लेकर के एक ज़बरदस्त वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वीडियो में मैं हमेशा ज़बरदस्त सेटअप बॉक्स लेके आता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे जितने भी सेटअप बॉक्स होते हैं सब ज़बरदस्त ही होते हैं, सब अच्छे होते हैं। और आज जो मैं लेके आया हूँ उसमें आपको एक साल फ्री मिलने वाले हैं वो वाले चैनल्स। जी हाँ, वो वाले चैनल जिसके लिए लोग सेटअप बॉक्स परचेज करना चाहते हैं, वो वाला जिसमें केबल वगैरह का ऑप्शन भी होता है। इसमें एक साल आपको मिलने वाले हैं डिश एंटीना से, जैसा कि आप देखने लगा हुआ डिश एंटीना से बिल्कुल फ्री HD SD चैनल्स, जो चैनल्स आप देखना चाहते हैं और जो चैनल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और FTA चैनल्स आपको मिलने वाले हैं लाइफ टाइम फ्री, बिना डिश एंटीना के आप देख सकते हैं पूरी ज़िंदगी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिना डिश एंटीना के पूरी ज़िंदगी फ्री, डिश एंटीना से पूरी ज़िंदगी फ्री, ऐसा कौन सा सेटअप बॉक्स है? एक साल वाला क्या चक्कर है? एक साल वाले तो वो चैनल है ना, फ्री टू एयर चैनल आपको मिलने वाले हैं पूरी ज़िंदगी फ्री, HD भी और SD भी। एक चीज़ और इसकी मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको अपना मोबाइल, मोबाइल के वीडियो, मोबाइल का यूट्यूब वीडियो और गूगल और कुछ भी आपको TV पे देखना है तो आप इस सेटअप बॉक्स के थ्रू डायरेक्ट TV पे देख सकते हैं अपने मोबाइल का, विदाउट वायर और विदाउट इंटरनेट। जब आपको अपना कोई भी वीडियो जो आपके मोबाइल में है उसको आपको TV पे देखना है तो उसमें इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके मोबाइल की गैलरी में है उसको आप डायरेक्ट TV पे देख सकते हो विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट के इस्तेमाल के। दूसरा, आप YouTube देख सकते हो, गूगल क्रोम वगैरह जो भी है आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो अपने TV पे। तो आपका मोबाइल टू TV भी काम करता है ये सेटअप बॉक्स। एक साल फ्री भी इसमें वो वाले चैनल मिलते हैं डिश एंटीना से, वो वाले चैनल एक साल फ्री मिलते हैं। और FTA चैनल ज़िंदगी भर फ्री मिलते हैं डिश एंटीना से भी और बिना डिश एंटीना के भी। तो ये कहानी तो मैं आपको बता चुका, इतनी देर बकबक करते हो गए, आप बोले सेटअप बॉक्स तो दिखाया नहीं, तो सेटअप बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये देखिए, ये सेटअप बॉक्स है A6। बहुत से लोग जानते होंगे इसके बारे में जो सेटअप बॉक्स के शौकीन हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। कुछ लोग को जिनके बारे में इसको पता है वो वीडियो भी स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया वो चीज़ इसके अंदर, क्योंकि ये सेटअप बॉक्स बहुत सारे लोग परचेज कर लेते हैं, ये सेटअप बॉक्स बहुत सारे लोग परचेज कर लेते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो इसके अंदर उनको नहीं मिलती है। जी हाँ, नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारे पास मिलेगी। हमारे पास जो सेटअप बॉक्स लेंगे उनको वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ मैंने बताई, यानी कि बिना डिश एंटीना की ज़िंदगी भर इसमें आपको FTA चैनल्स मिलने वाले हैं। इसके साथ में पावर एडाप्टर, रिमोट AV केबल और सेटअप बॉक्स मिलता है। HDMI केबल के थ्रू आप LED TV पर लगाइए, CRT TV पर लगाइए, डब्बा TV पर देखिए, जिस पे देखना है आपको उस पे देखिए, हर TV पे चलने वाला सेटअप बॉक्स है। जैसा इसका मॉडल नंबर है देख सकते हैं आप, ये लिखा है A6 लगा है। आप सोच रहे हो A6 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है A, ये लिखा है 6, ये A6 है। सैटेलाइट HD रिसीवर लिखा हुआ है यहाँ पे, USB है, रिमोट कंट्रोल है, वाईफाई, USB, दो USB पोर्ट मिल जाते हैं। एक साहब ने मुझे बोला कि मुझे चाहिए सस्ता HEVC H.265 रिसीवर जो कि डॉल्बी डिजिटल साउंड सपोर्ट करे, ये वाला है। HEVC है, H.265, 264 और डॉल्बी डिजिटल साउंड सब सपोर्ट करेगा। इसके अंदर आपको जो कार्ड मिल जाता है, बहुत से लोगों तेरे कार्ड भी बता दिया करो, तो कार्ड भी बता देता हूँ। मॉन्टेज चिपसेट का इसके अंदर कार्ड मिलता है आपको और सेट IP इसके अंदर मिल जाता है। आप जब भी सेटअप बॉक्स परचेस करते हैं, मार्केट से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, घर पे आके लगाते हैं, सोचते हैं YouTube चलना चाहिए, YouTube नहीं चलता, लेकिन इसके अंदर YouTube आपको ज़िंदगी भर फ्री मिलने वाला है। बहुत से सेटअप बॉक्स में आप लाएंगे YouTube चलेगा नहीं या YouTube बंद हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको YouTube ज़िंदगी भर फ्री मिलने वाला है। ऑटो बिस्की इसके अंदर मिलने वाला है, ऑटो पावर व्यू इसके अंदर मिलने वाला है, ऑटो अपडेट मिलने वाला है। कुल मिला के ऑटो रोल सेटअप बॉक्स मैं इसको बोल सकता हूँ। तो ऑटो रोल सेटअप बॉक्स है, आपको सिर्फ अपडेट करना रहेगा, अपडेट आ जाएगा आपके सामने TV पे। जब अपडेट आएगा तो उसको आपको अपडेट करना है। अपडेट के लिए आपका सेटअप बॉक्स इन्वर्टर पे कनेक्ट होना चाहिए, पावर कट नहीं होना चाहिए। जब आप अपडेट कर रहे होंगे पावर कट हो गया तो आपका डब्बा जो है, यानी कि सेटअप बॉक्स जो है, डेड हो सकता है। और सेटअप बॉक्स डेड होने के बाद में फिर आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मैकेनिक के पास जाएगा, मैकेनिक उस मैकेनिक के पास जो सेटअप बॉक्स का मैकेनिक है। बहुत से लोग सेटअप बॉक्स ले आते हैं TV मैकेनिक के पास, उस मैकेनिक के पास उनको सेटअप बॉक्स आता नहीं है करना, ये चीज़ निकाली, ये चीज़ निकाली, कार्ड बिल्कुल बेकार, तो उनके पास नहीं ले जाना है। जो सेटअप बॉक्स के ही मैकेनिक हैं उन्हीं को अपना सेटअप बॉक्स दिखाइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की वीडियो आएंगे ऐसी अच्छे अच्छे। एक साल वाला है, बहुत बढ़िया सेटअप बॉक्स है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर सेटअप बॉक्स चाहिए आपको तो मार्केट में जहाँ भी मिले वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैंने बताई थी। वो चीज़ लेने के लिए आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, ये देखें यहाँ पर टाइटल आ रहा है, टाइटल पर क्लिक करेंगे, जो इस वीडियो का टाइटल है जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। उसके अंदर मिलेगा आपको व्हाट्सअप नंबर सबसे ऊपर, वहाँ पे जाइए व्हाट्सअप कीजिए, स्क्रीनशॉट निकालिए और मुझे भेज दीजिए कि ये वाला सेटअप बॉक्स हमको चाहिए, ये वाला। तो इस सेटअप बॉक्स का हम आपको बता दें ना, बहुत से लोग बोलते हैं प्राइस क्या है यार, प्राइस वीडियो, प्राइस का बड़ा झमेला होता है यार। वीडियो में मैं आपको प्राइस अभी बता दूँ, मान लो प्राइस मैंने आपको बता दिया, चार दिन बाद डॉलर का रेट कम ज़्यादा हुआ, प्राइस बढ़ गए, मैंने आपको बताया 1000 रुपये, उसके बाद में पता चला ये हो गया 1100 रुपये का, 1200 रुपये का, मैं आपको बोलूँगा फिर 1200, बोले वीडियो में तो 1000 बताया था। इसके लिए किसी वीडियो में मैं प्राइस नहीं बताता हूँ, प्राइस अप डाउन होते हैं, कल को 900 का हो गया तब भी आप 1000 देंगे, तो रेट कुछ भी हो सकता है। वो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप करने के बाद आपको रेट पता चल ही जाएगा कि कितने का ये सेटअप बॉक्स आपको मिल रहा है करंट डेट में, मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको फिर बोलता हूँ कि मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सोच रहे होंगे यार डब्बा तो खोल के दिखाया नहीं, तो डब्बा खोल के दिखाऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके का सेटअप बॉक्स होता है। कुछ वीडियो होते हैं ऐसे जो सर में दर्द भी करते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, छोटा सा वीडियो हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए इसमें मिलता किस तरीके का डब्बा है, किस तरीके का रिमोट है, किस तरीके का पावर अडोप्टर है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ 2 सेकेंड के अंदर। वीडियो स्किप मत कीजिए, पावर अडोप्टर है ठीक है। और इसके अंदर AV केबल मिलता है आपको, ये देखिए AV केबल है, 3 पिन AV केबल है, रेड येलो वाइट वाला। और इसके अंदर एक मिल जाता है आपको रिमोट, वाइट कलर का रिमोट है, IB लिखा हुआ है, ओरिजिनल रिमोट है, देख सकते हैं आप। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइड में और आपको दिखाता हूँ मैं सेटअप बॉक्स। अब सेटअप बॉक्स इसके अंदर बचा है, दूसरा कुछ नहीं है, तो सेटअप बॉक्स बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए सेटअप बॉक्स मैंने बाहर निकाल लिया है, इसको मैं कुछ नहीं है नीचे रख देता हूँ। तो ये देखिए सेटअप बॉक्स में एक चीज़ और मिलती है भाई साहब, बुकलेट मिलती है। देखिए बुकलेट मिली है A6 की, यानी कि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा डब्बा है, ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा डब्बा है। बैक साइड से दिखाऊँ, इसमें HDMI केबल का और वो सारी चीज़ का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, पावर अडोप्टर का, वाईफाई का, और इसके अंदर HDMI केबल का, LNB का सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर से लुक कुछ इस तरीके का है, सामने से मैं आपको दिखाई दिया, एक USB पोर्ट इसमें सामने आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये रहा, तो 2 USB पोर्ट इसमें मिल जाते हैं। बहुत प्यारा वाइट कलर का डब्बा है, अब मैं भी थक गया हूँ, बहुत प्यारा वाइट कलर का डब्बा है। अगर आपको चाहिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यही वाला डब्बा आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिटिस भाई का जय हिंद।